सोलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद द विंड ब्लास्टर चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लैग, रेंडर, जायरोस्कोप डिले एंड फ्लिकरिंग इशू, इन सब की सॉल्यूशंस लेके आऊँ आज की वीडियो में। बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आऊँ, स्पेशल फॉर रियलमी यूजर्स है। स्पेशल फॉर रियलमी यूजर्स इसलिए क्योंकि मैंने जो सेटिंग्स है वो आपको रियलमी के डिवाइस में देखने को मिलेगी। मेरे पास भी रियलमी का डिवाइस है और साथ ही साथ मैंने अपने 5 दोस्तों के रियलमी डिवाइस में ये सब सेटिंग्स पूरी पूरी चेक की है, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना के आपको ये सेटिंग्स बता रहा हूँ। तो 110% रिलीफ मिलने वाला आज की वीडियो देखने के बाद, भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये जो सेटिंग्स है अप्लाई करवाऊंगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ करने में। मे बी उसके बाद आप इन सेटिंग्स को करने के बाद अपने डिवाइस को रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना, जिससे ये सारी सेटिंग्स ईजिली अप्लाई हो जाए। तो आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्टेड दिस वीडियो, और सारी सेटिंग्स को वन बाय वन फॉलो करना, बस ईजिली आपका काम हो जाएगा आज की वीडियो देखने के बाद। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ तो सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, बट स्पेशल फॉर रियलमी इसलिए क्योंकि रियलमी के डिवाइस पर मैंने सारी सेटिंग्स को ढूंढना है। मे बी आपके डिवाइस में अगर ये सेटिंग्स आपको मिल जाती है तो इन्हें ईजिली अप्लाई करो और आपको वही सब रिलीफ मिल जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रियलमी वाले डिवाइसेस के काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, साथ ही साथ मेरे पास भी रियलमी का डिवाइस ही है रियलमी 2 प्रो, तो मैंने सब पर सॉल्यूशन देख रहा था और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। वैसे इतनी नहीं हो रही थी जितनी मतलब काफ़ी लोगों को हो रही थी, उनको सॉल्यूशंस नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भाई ने सॉल्यूशन निकाल लिया। फाइनली मैं स्मूथ गेमिंग को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जाना है। सबसे पहले आपको जाना है स्प्लिट स्क्रीन में, आपके रियलमी यूजर्स वाले डिवाइसेज में आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगा ये अगर स्क्रीनशॉट, और साथ ही साथ इसके अंदर आप स्प्लिट मोड होता है जैसे आप ऑप्शंस खुल जाते हैं वो आपको डिसेबल कर देना है। सिंपली सबसे पहले तो ये बंद रखना है अपने डिवाइस में। जाना आपको एडिशनल सेटिंग में, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा आपको सामने इजीली दिख जाएगा। उसके बाद 2-3 ऑप्शन बताऊंगा और एक साथ डिसेबल HW ओवरलेस इसको इनेबल कर लेना, 4XMSAA इसको इनेबल कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा ऊपर जाना है, एक ऑप्शन दिखेगा गेम ड्राइवर परफॉरमेंसेस, इसको आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे काफ़ी सारे, आपको इजीली सबसे पहले आपको जाना है पबजी मोबाइल में। यहाँ पे आप पबजी मोबाइल में जाओगे, आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे हो रखा होगा, आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है गेम ड्राइवर के अंदर, दैट्स इट। डिफ़ॉल्ट से गेम ड्राइवर में कर देना है, बस आपको गाइस इतनी सेटिंग्स अप्लाई करनी है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस आई होप आपको ये सारी सेटिंग्स इजीली समझ आ गई होगी और आपने इसको इजीली अप्लाई कर लिया होगा। वीडियो को आराम से देख के अप्लाई कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, बस इन सेटिंग्स को अप्लाई कर लो। उसके बाद आपकी फ्लिकरिंग इशू, लैग, रेंडर और जायरोस्कोप डिले वाली प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी दिनों से ट्राई करते हैं सेटिंग्स को, तो फाइनली ये बहुत अच्छी रिलीफ देने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीज़ है। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, गुड नाइट।